केवल पुष्कर में ही क्यों है ब्रह्मा जी का मंदिर? एक श्राप में छुपा हुआ है बड़ा रहस्य। इसीलिए ब्रह्मा का दुनिया में एक ही मंदिर है। संसार भर में जगत पिता ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में स्थित है। इस स्थान को ब्रह्मा जी का घर भी कहा जाता है। मान्यता है कि मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अनेकों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया। ब्रह्मा जी का यही एकमात्र मंदिर है जिसे औरंगजेब छू तक नहीं पाया। इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था और मंदिर निर्माण से जुड़ी अनेक दंत कथाएं हैं। मंदिर के साथ ही सुंदर और पवित्र झील प्रवाहित होती है जिसे पुष्कर झील कहा जाता है। कार्तिक माह में बहुत से श्रद्धालु यहाँ स्नान के लिए आते हैं। इस झील में स्नान करने के लिए 52 घाट बने हैं। कहते हैं कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में एक बार पुष्कर धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये बनारस एवं प्रयाग की तरह ही महत्वपूर्ण है। पुष्कर झील में स्नान करने के बाद ही बद्री नारायण, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारिका की यात्रा पूर्ण होती है। भगवान ब्रह्मा ने जगत भलाई के लिए यज्ञ करना चाहा, जिसके लिए उन्हें शुभ मुहूर्त का इंतजार था। जब वो शुभ मुहूर्त आया तो उनकी पत्नी माँ सरस्वती ने उन्हें इंतजार करने को कहा। सनातन धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य पत्नी के अभाव में पूर्ण नहीं हो सकता, अतः यज्ञ के कार्य में विलंब होने लगा। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने ग्वालिन गायत्री नाम की स्त्री से विवाह कर लिया और उन्हें अपने साथ यज्ञ में बिठाया, ताकि समय रहते शुभ मुहूर्त में यज्ञ का कार्य पूरा हो सके। सरस्वती जी ने जब अपने स्थान पर दूसरी स्त्री को बैठे देखा तो वो क्रोध से भर गईं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हुए कहा कि आपकी धरती पर कहीं भी और कभी भी पूजा नहीं होगी। जब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ तो देवी देवताओं ने माँ सरस्वती से विनय किया कि ब्रह्मा जी को इतना कठोर दंड ना दें। देवी देवताओं की बात का मान रखते हुए माँ सरस्वती ने कहा कि ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर होगा जो पुष्कर में स्थित होगा और वो केवल यहीं पर पूजे जाएंगे। उसी दिन से पुष्कर धाम ब्रह्मा जी का घर बन गया। ब्रह्मा जी का मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। चांदी के सिक्कों द्वारा इसकी साज सज्जा की गई है। बहुत से चांदी के सिक्के ऐसे हैं जिन पर दान देने वाले श्रद्धालुओं के नाम खुदे हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।